अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल लर्निंग के लेक्चर नंबर 10 में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मोबाइल से फ़ोटो कैसे खींचते हैं। मोबाइल से फ़ोटो खींचना बहुत ही आसान है। अलबत्ता मोबाइल पर फ़ोटो खींचने से पहले आपका मोबाइल चार्ज होना ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो आइए सीखते हैं। मोबाइल पर फ़ोटो खींचने के लिए हम यहाँ एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हर एंड्रॉयड फ़ोन में कैमरा मौजूद होता है जो कि आपके मोबाइल फंक्शन में दिखाई देता है। किसी मोबाइल में सामने की तरफ ही होता है, किसी में अंदर जाकर होता है। हमारे इस मोबाइल फ़ोन में सामने की तरफ ही कैमरा आइकन मौजूद है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ नहीं है तो आप अपनी ऐप्स में कैमरा ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने इस कैमरा आइकन को टैप करेंगे, उसके बाद आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कैमरा अब फ़ोटो खींचने के लिए तैयार है। अब आप जिसकी भी चाहें फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने के लिए नीचे दिए गए इस सफ़ेद बटन पर टैप करेंगे, जिससे आपकी फ़ोटो खींच जाएगी और आपकी मोबाइल गैलरी में महफूज हो जाएगी। इस तरह से आप जितनी चाहें फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से अपनी खुद की फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन में नीचे की तरफ दाएं जानिब एक आइकन नज़र आ रहा होगा, जिस पर कैमरा बना है और कैमरे के अंदर दो घूमते हुए तीर के निशान भी दिखाई दे रहे होंगे। आप इस बटन पर टैप करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा यानी सामने वाला कैमरा ऑन हो जाएगा, जिसमें आपकी खुद की तस्वीर नजर आ रही होगी। अब आप फिर से इस नीचे दिए गए सफेद बटन पर टैप करेंगे तो आपकी फोटो खींच जाएगी और आपकी मोबाइल गैलरी में महफूज हो जाएगी। तो ये था मोबाइल में फ़ोटो खींचने का तरीका। उम्मीद है आप बआसानी मोबाइल पर फ़ोटो खींचना सीख चुके होंगे। अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।